मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा ने तयशुदा भारत के लिए तजारती मिशन मुलतवी कर दिया। सिख मुजाहरों पर तनकीद के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। कनाडा में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम ना करने वालों को हुकूमत की धमकी। ट्रूडो को आवामी मकबूलियत में कमी की वजह से अपनी क़यादत के बारे में सवालात का सामना। ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत खुराक को ज़्यादा सस्ती बनाने के लिए मुतअद्दिद इकदाम कर सकती है। कनाडा में समंदरी तूफान ली ने तबाही मचा दी। हज़ारों अफराद बिजली से ताहाल महरूम। नोवा स्कोशिया में तकरीबन 1,20,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। हैलीफैक्स एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। मेरे खिलाफ मुआवजे की इंक्वायरी का आगाज खुशाइंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ये मेरी खुशकिस्मती भी है। हाल ही में अमरीकी सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का आगाज हो गया। अमरीका और चीन के दरमियान सिफारती तनाव कम होने की उम्मीद। माल्टा में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने पर गौर। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा की वजीरे तिजारत मैरी एंजी ने पहले से तयशुदा तिजारती मिशन का दौरा भारत मुलतवी करने का ऐलान किया है। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में मुनक़िद G20 इजलास के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। कनाडा की वजीर तिजारत मैरी एंजी ने पहले से तयशुदा तिजारती मिशन का दौरा भारत मुलतवी करने का ऐलान किया है। कनाडा के तिजारती मिशन को अक्टूबर में भारत का दौरा करना था। उन्होंने कहा कि कनाडा में सियासी पेशरफ पर एतराज़ात के बायस तिजारती माहदे पर बातचीत रोकी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा के वजीर अजम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी को G20 सरबराही इजलास के दौरान दो तरफा मुलाकातों में सिखों समेत मुख्तलिफ मामलात पर साफ जवाब दे दिया था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहरों से निमटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी, जिस पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें जवाब दिया था कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। कनाडा और भारत के तजारती महाज पर ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने अक्टूबर में तयशुदा भारत के लिए तजारती मिशन मुलतवी कर दिया। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक कनाडा के वजीर तिजारत ने कहा है कि अक्टूबर में तयशुदा भारत के लिए तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से भारतीय हुक्काम ने कहा है कि कनाडा में सियासी सरगर्मियों पर एतराज़ात के सबब तिजारती माहदे पर बात रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहरों से निमटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी। मोदी की तनकीद पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। वाज़े रहे कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 इजलास में शिरकत के लिए गए थे, ताहम वो अपने दौरे भारत से खुश नहीं हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम ना करने की सूरत में खबरदार किया है कि सुपर मार्केट्स को नए टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम ना करने की सूरत में खबरदार किया है कि सुपर मार्केट्स को नए टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रूडो जिन्हें अवामी मकबूलियत में कमी की वजह से अपनी क़यादत के बारे में सवालात का सामना है, ने यह भी ऐलान किया कि किराए के नए अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए सेल्स टैक्स माफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि सुपरमार्केट चेन्स एक ऐसे वक्त में रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं जब बहुत से कैनेडियन अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वॉलमार्ट और कॉस्टको समेत 5 बड़ी सुपरमार्केट चेन्स के सरबराहान से कहा जाएगा कि वो थैंक्सगिविंग से कबल बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने की मंसूबाबंदी करें। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर मंसूबा मुतवस्सित तबके और सख्त मेहनत करने वाले लोगों को हकीकी रिलीफ फराहम नहीं करता तो हम मजीद कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से टैक्स इकदाम समेत किसी भी चीज़ को मुस्तरद नहीं किया जाएगा। जुलाई में ग्रोसरी की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले में 8.5% इजाफा हुआ, जो आम अफराते ज़र की शरह 3.3% से कहीं ज़ायद है। कैनेडियन खुदो फरोशों ने बढ़ती हुई कीमतों के लिए यूक्रेन में जंग समेत गैर मुल्की अवामिल की वजह से प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स की तरफ से बढ़ती हुई लागत को जिम्मेदार ठहराया है। कैनेडा की रिटेल काउंसिल ने जुमेरात के रोज एक बयान में कहा, इल्ज़ाम आयद करने के बजाय वफाकी हुकूमत को आईने में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुराक को ज्यादा सस्ती बनाने के लिए मुतादित इकदाम कर सकती है, जिनमें किसानों, फूड प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से कार्बन टैक्स को आर्जी तौर पर ख़त्म करना और हुकूमत के प्लास्टिक पैकेजिंग के मुजवजा अहदाफ को मनसूख करना शामिल है, जिससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में सालाना $6 अरब का इजाफा हो सकता है। कनाडा में समंदरी तूफान ली के बाद हजारों अफराद बिजली से ताहाल महरूम हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में समंदरी तूफान ली के बाद हजारों अफराद बिजली से ताहाल महरूम हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। समंदरी तूफान ली गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सूबे नोवा स्कॉटिया के मगरबी हिस्से से टकरा गया था, जिससे सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए, हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। तूफान के सबब मेन के साहिली इलाकों और अटलांटिक कनाडा के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं, सैलाब और शदीद बारिशें हुईं। NHC ने अपनी ताज़ा तरीन एडवाइजरी में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हेलीफैक्स के जुनूब मगरब में वाक़ एक छोटे से जजीरे लॉन्ग आइलैंड से टकराने के बाद ली तूफान शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। ताकतवर सिस्टम के सबब तकरीबन 65 मील/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ली तूफान अब मैन में ईस्ट पोर्ट से तकरीबन 40 मील मशरक जुनूब मशरक में और हेलीफैक्स से तकरीबन 130 मील मगरब में मौजूद है। अगले दो रोज़ के दौरान इसके मुसलसल कमज़ोर होने की तवक्को है। कनाडा के सूबे नोवा स्कॉशिया में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1,20,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए, क्योंकि आंधी के सबब कई दरख्त गिर गए और बिजली की तारें टूट गईं। पड़ोसी रियासत न्यू बंसविक में तकरीबन 20,000 अफराद को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। मगरबी इलाके के कुछ हिस्सों में हवाएं 62 मील/घंटा से ज्यादा और नोवा स्कॉटिया के सबसे बड़े शहर हेलीफैक्स में 56 मील/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चल रही हैं। हेलीफैक्स एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। नोवा स्कॉटिया इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल मैसन ने कहा कि तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा है। तूफान की लहर शाम के अवाइल तक सबसे ज्यादा शदीद होने का खदशा है। NHC ने उन इलाकों में सैलाब के खतरे का इंतबाह जारी करते हुए कहा कि तूफान मशरकी मैन और कनाडा के न्यू बंसविक के कुछ हिस्सों में इजाफी 1 से 2 इंच बारिश बरसा सकता है। कैनेडियन हरिकेन सेंटर ने एक बयान में कहा कि तूफान भी आज रात बारिश, तेज हवाओं और बहरे ओकियानूस के साहिल के साथ ऊंची लहरों की सूरत में खत्ते को मुतासिर करेगा। तूफान के खदशात के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतजामिया ने मैन और मैसाचुसेट्स के लिए हंगामी इंतबाह जारी कर दिया और रियासतों के लिए विफाक की जानिब से इमदाद फराहम की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मेरे खिलाफ रिपब्लिकन की मवासे की इंक्वायरी का आगाज खुशाइंद है, मेरी खुशकिस्मती भी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मेरे खिलाफ रिपब्लिकन के मवाक़े की इंक्वायरी का आगाज़ खुशाइंद है, मेरी खुशकिस्मती भी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि आपके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने मवाक़े की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है। सहाफ़ी के जवाब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि लॉट्स ऑफ लक, यानी खुशकिस्मती की बात है, मेरे खिलाफ मवाक़े की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। हाल ही में अमरीकी हाउस ऑफ नुमाइंदगान के स्पीकर कियान मैककार्थी ने जो बाइडन के खिलाफ मवाक़े की कार्रवाई की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। माल्टा में अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर और चीनी वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
مالٹا میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان مالٹا میں ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات نومبر میں سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے سربراہی اجلاس میں ہو سکتی ہے۔ سلیوان اور وانگ یو کے درمیان آخری ملاقات مئی میں ویانا میں ہوئی تھی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔